जो भी सिमरिया के अंदर विकास हुआ है, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, वो अभय मिश्रा जी की ही देन है। और वो 15 सालों के बाद फिर आए हैं तो यहाँ की जनता चाहती है कि सिमरिया में विकास हो उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने किया था। आज आप विकास देख लीजिए, अभय मिश्रा के दिए हुए डिवाइडर यहाँ से लेकर सतना रोड तक बने हुए हैं, हर जगह से टूट कर गिर गए हैं, इनको सुधार नहीं पाए तो आप विकास सोच सकते हैं क्या होगा सिमरिया का। जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है, यहाँ पे ना किसी को रोजगार मिलता है, ना कोई काम होता है, यहाँ पे ना पानी तक मिलता है। सबसे बड़ा महंगाई यहाँ पर गरीबों की कमर टूट रही है। मान लीजिए जो धनाढ्य है उसको कुछ परिवर्तन नहीं पड़ता है, ना कोई फर्क पड़ता है, लेकिन जो गरीब है उसको बेचारे का माने खाना मुश्किल है। कि जानी से हम कांग्रेस का वोट दें। यहाँ पर पूर्वा में जो काम किया गया केवल सीओ को मार करके, सीओ को मार करके और पैसा लूटा गया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया में। बात करें सिमरिया की तो सिमरिया मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आने वाली एक विधानसभा सीट है। पूर्व में यहां पर अभय मिश्रा और उनकी पत्नी विधायक रही हैं। बीते चुनाव में यहां से केपी त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो विधायक हैं मौजूदा तौर पर। और इस बार जो लड़ाई है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच की है। असली बात अगर हम कर रहे हैं तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि इस बार इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अभय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा की तरफ से केपी त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर काफ़ी दबदबा बनाए रखी हुई है और पंकज पटेल जो होते हैं यहां से प्रत्याशी हैं। जनता की यहां की राय क्या है, जनता क्या कहती है और किन मुद्दों को लेकर कि यह किसी दल के साथ है या किसी का विरोध कर रही है, इन सारी चीज़ों की बातचीत हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं और आप सारी जनता का भी हम द खबरदार न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपनी इस चर्चा की। सिमरिया विधानसभा सीट, यहाँ पर दलों की अदला बदली का एक लगातार क्रम चला। कोई एक व्यक्ति जो है तो कभी भाजपा में जाता है, कभी कांग्रेस में आता है, कभी भाजपा में जाता है, इस तरीके से स्थितियाँ यहाँ पर रहीं। तो वर्तमान समय में जब चुनाव महज एक हफ्ते भी नहीं बचा हुआ है तो अब की क्या स्थितियाँ? यहाँ से अभय मिश्रा जी कम से कम 20,000 वोट से यानी ज़्यादा चुनाव जीतेंगे। यहाँ से अदला बदली तो चलता रहता है, पार्टी का काम है, आना जाना चलता है। जो यहाँ विकास है मेन अभय मिश्रा जी के देन है। ना तो यहाँ तो पहले रोड थी, ना तो नाली थी, ना तो कुछ था। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की, जो जरमोरा बांध है वो पूरा सूखा पड़ा है और 2-3 पंचवर्षीय निकल गया, उसमें तो अभी तक तो ना पानी आया ना यानी कुछ आया। और तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा दिक्कत है यानी बीजेपी का यानी रेलवे वाला जमीन यानी अतिग्रहण हो गई और उनको नौकरी अभी तक नहीं मिली। सब लड़के बेरोजगार यानी भाग रहे हैं, तो जब लड़के सब बेरोजगार भाग रहे हैं, जमीन अधिग्रहण कर लिया गया रेलवे का, तो यानी बोर्ड का बीजेपी का प्रश्न नहीं उठता है। अब बीजेपी से नाराज हैं आप लोग कुछ मुद्दों को लेकर के, तो फिर किसका समर्थन है, पंकज पटेल या फिर जो अभय मिश्रा या फिर कोई तीसरा? यहाँ से ओनली ऑन अभय मिश्रा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पूर्व में भी पंकज पटेल जो रहे हैं एक अच्छा वोट बैंक जो होते हैं यहाँ से हासिल करते रहे, इस बार की क्या स्थितियाँ हैं? अभय मिश्रा स्थितियाँ क्यों बदली हैं भाई? है कुछ काम ही नहीं हुआ भाई, यहाँ सब यहाँ आतंक ज़्यादा है। स्थितियाँ इसलिए बदली हैं, जो भी सिमरिया के अंदर विकास हुआ है, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, वो अभय मिश्रा जी की ही देन है। और वो 15 सालों के बाद फिर आए हैं तो यहाँ की जनता चाहती है कि सिमरिया में विकास हो उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने किया था, इसलिए यहाँ की जनता एक तरफा अभय मिश्रा जी को चाह रही है। आप किस दल को वोट देना चाहेंगे और किस प्रत्याशी को पसंद करें? मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से हूँ। आप जिस रोड पर खड़े हुए हैं ये रोड अभय मिश्रा जी की दी हुई देन है। आज आप विकास देख लीजिए, अभय मिश्रा के दिए हुए डिवाइडर यहाँ से लेकर सतना रोड तक बने हुए हैं, हर जगह से टूट कर गिर गए हैं, इनको सुधार नहीं पाए तो आप विकास सोच सकते हैं क्या होगा सिमरिया का। आप गांव में चले जाइए, जनता पानी के लिए तरस रही है, पानी नहीं मिल रहा उनको पीने के लिए, तो आप समझ सकते हैं विकास कहाँ तक क्या हुआ होगा। हमारा करणी सेना का पूरा समर्थन अभय मिश्रा जी के साथ है और हम लोगों का कार्यक्रम 8 जनवरी भोपाल में हुआ था जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ
हमारा करणी सेना परिवार समर्थन की हुई है और सभी करणी सैनिक क्षत्रिय समाज अभय मिश्रा जी के समर्थन में सिमरिया विधानसभा से है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात हुआ, क्या बात थी और किस बात को लेकर के आप बात ये कर रहे हैं? दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि पूरा क्षत्रिय समाज कांग्रेस के साथ है, सिरमौर विधानसभा सीट से जो तो दिवराज सिंह जो है तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो स्थितियाँ कुछ और हैं। देखिए, समाज की मुद्दों में हम भी अभय मिश्रा जी को जो हम लोगों की मांग थी वो अभय मिश्रा जी ने बोले हैं कि हम जीतने के बाद वहाँ विधानसभा में मांग रखेंगे, तो उन्होंने अगर हमारा मांग पत्र स्वीकार किया है तो हमने भी उनका समर्थन किया है। तन मन धन से लगे हैं सभी लोग और निश्चित ही अभय मिश्रा जी की सिमरिया विधानसभा से जीत होगी। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए रोजगार एक सबसे अहम मुद्दा है पूरे देश भर में, ना केवल सिमरिया ना केवल रीवा में, तो युवाओं के तौर पर रोजगार की यहाँ पर क्या स्थिति? यहाँ पे केवल बेरोजगारी है जी, यहाँ पे केवल बेरोजगारी है, ना किसी को मतलब जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है यहाँ पे ना किसी को रोजगार मिलता है, ना कोई काम होता है यहाँ पे, ना पानी तक मिलता है यहाँ पे, केवल ना केवल कहीं भी जाइए, आप नगर परिषद में जाइए, कहीं भी जाइए, प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। केवल इन लोगों के पास जाओ तो केवल कहीं यहाँ दौड़ाएंगे, कहीं वहाँ दौड़ाएंगे, मतलब काम के विकास के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। अब इससे पहले हमारे यहाँ के अध्यक्ष माननीय अजय शुक्ला जी थे, तो वहाँ पे आदमी जाता था नगर परिषद में तो कभी ये नहीं पूछा जाता था कि आपने हमको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इस समय जाते हैं जब से भाजपा की सरकार आई है तो यहाँ पूछा जाता है कि आपने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया, मतलब वोट देख के और व्यक्ति देख के काम होता है, बाकी काम नहीं होता यहाँ पे। एक पहचान के तौर पर जो है काम किया जाता है जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमको चाहिए बदलाव, ठीक है ना, सरकार का बदलाव होना चाहिए। फिर दूसरा मुद्दा ये है कि इस सरकार वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा दलित शोषित पीड़ित जो वंचित व्यक्ति हैं उनका सबसे ज़्यादा हनन हो रहा है, उनके साथ में दुराचार हो रहा है। कहीं आप देखे होंगे सुने भी होंगे कि मैंने सीधी में मैंने एक आदिवासी के मैंने सर पर बैठा करके उसके और एक विधायक का लड़का नेता प्रतिनिधि के मैंने 20 का आदमी है वो, लेकिन उसने जागरूक आदमी होकर के सक्षम आदमी ने एक गरीब को बैठा करके उसके सर से नहीं पेशाब कर रहा है, ये सबसे बड़ा विडम्बना की बात है। ये जो कि हम लोग अपने युवा जोनी में कभी ऐसा सुना नहीं, देखा भी नहीं, ठीक है ना, वो हम लोग देख रहे हैं इस सरकार में। तीसरा ये है, सबसे बड़ा महंगाई यहाँ पर गरीबों की कमर टूट रही है, मान लीजिए जो धनाढ्य है उसको कुछ परिवर्तन नहीं पड़ता है, ना कोई फर्क पड़ता है, लेकिन जो गरीब है उसको बेचारे का माने खाना मुश्किल है। 1250 तो लाडली बहना योजना में मिल रहे हैं, 450 में सिलेंडर देने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, तो किसको मिल रहा है? ठीक ठीक, सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है जो ये लाडली बहना का पैसा दे रहा है मान लीजिए शासन, लेकिन ये जो विकलांगता है पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन और आपके वृद्धा पेंशन, इनका पैसा आज 3 महीने से उनको नहीं मिल रहा, अब वही पैसा को इनको लाडली बहनों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तरफ एक बहन को एक माँ को रुला रहे हैं और एक तरफ बहन को वोट के आशा में वोट के लालच में उनको पैसा देकर झांसे में ला रहे हैं, ठीक है। इसी के आधार पर ये पैसा कोई टिकाऊ योजना नहीं है, ये जो लाडली बहना है ये कोई टिकाऊ योजना नहीं है। टिकाऊ योजना हमारा क्या है? पेंशन, जो कि हमारा पहले से मिलते आए वही कांग्रेस सरकार में ही शुरू हुआ था और जो भी कुछ बढ़ावा मिला तो उन्हीं के सरकार में बढ़ावा भी मिला है। भाजपा की सरकार आज यहाँ 18-19 साल कहा गया, ठीक है ना, जिसमें से 150 से 200 रुपये बड़े मुश्किल से दिया जाता था, कांग्रेस की सरकार में माने 300 रुपये किया गया था, इसके बाद में 600 रुपया माने लागू कमलनाथ जी किए, वो पैसा आज भी 2600 रुपया रह गया। 3.5 साल माने आपकी भाजपा की सरकार रही, यदि उनको यही करना था पैसा ही बढ़ाना था तो यदि वो 1000 कम से कम कर देते 600 के जगह में, ठीक है ना, तो हमारे जनता को और उसमें कई प्रकार की जनता माने पीड़ित शोषित वंचित सबको माने उसमें फ़ायदा होता है। उनको यदि वो पैसा मिलता तो ठीक है, मान लिया जाता कि चलो कोई नया काम किए हैं। ये तो बनी स्कूल में आइए बैठ कर कुर्सी में खाली लेक्चर देते हैं, ठीक है ना, इन्होंने स्कूल नहीं बनाया,
बनी स्कूल में खाली लेक्चर देने का काम करते हैं, ये इनका प्रमुख माने। आप से आने अभी बात की गई कि वोट जाने जानी से हम कांग्रेस का वोट दे, आपको पेंशन मिलती है कि नहीं, हम ये जानना। 600 रुपया मिला थी तो अभी 3 महीने से जैसे कि बताया गया कि नहीं मिली, तो आपको 3 महीने झूठ का ना बोलो दादू, हमें मिल गए पैसा अभी यह महीना। ठीक है दादा को मिल गया होगा, हम मान लेते हैं उनकी बात को, लेकिन हम भी पेंशनधारी, तो हमारा तो अभी नहीं मिला, तो हम क्या बताएं। एक दादा कह रहे हैं कि मिल गए, हमारा नहीं मिला तो क्या करें। एक हमारी माँ है, आज उनका मार्च के महीना से, एक मिनट, मार्च के महीना से आज उनको पैसा नहीं मिल रहा, एक पैसा। ठीक है ना, आज कितना महीना कहा गया, मार्च से अभी लगा लीजिए अक्टूबर नवंबर है, इतने महीने का पैसा उनका अभी आज तक रुका है, जबकि उसमें हमको ये कहा गया आप समग्र आईडी उनका लाइए, खाता नंबर लाइए, आधार नंबर लाइए, हम सब कुछ पहुंचा दिए, लेकिन फिर भी नहीं चालू, फिर भी अभी तक उनका पैसा नहीं चालू हुआ। जनमोहरा बाद जो है यहाँ पर एक अहम मुद्दा है, और ये आज़ादी के बाद एक बड़ा अहम मुद्दा है कि ऐसा कहा जाता है जरमोहरा बाँध की स्थिति को जो बेहतर कर देगा तो सेमरिया में जो पानी पेयजल की कमी है वो पूरी तरीके से दूर की जा सकती है। किसने क्या काम किया है इस पे, काम नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन कर सकता है? ये शास्त्री जी ने किया था जरमोहरा बाँध की स्थापना, यमुना प्रसाद शास्त्री ने, और उन्हीं ने बनवाया था। आज तक बाँध जब बारिश नहीं होती तो बाँध नहीं भरता, बांध भरने के लिए यहाँ पर लालच दी जाती है और कभी बांध का काम किया नहीं गया, इसलिए यहाँ की जनता सब भूखों मर रही है। तो शास्त्री जी के बाद क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ काम नहीं किया जरमोहरा बांध? नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जरमोहरा का, केवल बोना भर जानते हैं कि जरमोहरा को जोत करके बोलो और उसी में भाजपा सरकार बल्कि उस दाने को बर्बाद कर दिया, कटा करके और गहा करके। जी हाँ, जेसीबी चली थी लोकेश सिंह जी के खेत पे, खड़ी फसल पकी हुई नहीं थी, उसको गाय दी गई जेसीबी द्वारा, नुकसान किया गया था, उसको काट लेने देते, किसी को दे देते गरीबों को, ये थोड़ी ना है कि नुकसान कर देंगे आप, किसी के हक पे ना लगे। ये बताइए कि जरमोहरा बाँध को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है और उससे फायदा क्या हो सकता है? ये नर्मदा का जल यहाँ पर गिरा दिया जाए तो ये क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाएगा और सिंचित हो जाएगा, नहर परियोजना का विस्तार करके इसको व्यवस्थित किया जाए। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इतनी निकम्मी है कि न ये फीता डोरी भर काटती है, बकायदे एक ईंट नहीं रखी है सिमरिया क्षेत्र में, न पंचायत में। ये जो काम दिख रहा है सब अभय मिश्रा का है, और यहाँ से 18 साल से ये बैठी है सरकार, कुछ भी काम नहीं किए, वादे पे वादे, बेरोजगार लड़के भाग रहे हैं। कुछ चीजें जो है यहाँ पर है और विकास हुआ है, सिर्फ सिमरिया में एक चीज का विकास हुआ है, वो भी नशीली दवाओं का, इस चीज पे एक नंबर पे सिमरिया है। हाँ, जब से केपी त्रिपाठी जी विधायक हुए हैं, उसके धाऊ भी खोद करके माने पहाड़ खोद करके और दूसरे प्रांत को दे दिए जाते हैं, यहाँ पर पैक्ट्री नहीं डाली जा रही कि यहाँ के जनता को रोजगार मिले, रोजगार से सब वंचित है। कुछ प्रमुख कामों की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर उसकी सच्चाई भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर गौ अभयारण्य स्थापित किया गया, यहाँ पर पूर्वा जलप्रपात के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, किया गया तो इस तरीके से और कई कार्य किए जा रहे हैं, तो इनकी किस हद तक कार्य किया गया और उसकी सुनिए। तो यहाँ पर पूर्वा में जो काम किया गया, केवल सीओ को मार करके और पैसा लूटा गया, ना कि कोई काम नहीं किया गया। पूर्वा का कौन सौंदर्यीकरण करेगा जो प्रकृति की बनाई हुई चीज है, उसमें इंगल लगवा दिए, 30 लाख रुपए खा लिए, 30 लाख रुपए उसमें खाए हैं, दो तीन इंगल लगे हैं उसमें जलप्रपात चचाई जलप्रपात में। अभयारण्य जो बनाया गया है उसके बारे उसमें कौए मारी जा रही, कौए मारी जा रही हूँ वहाँ पे जाके आप देखिए। हाँ, उनमें पहले गौए सुरक्षित थी, अब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे व्यापार चलता है, व्यापार वहाँ पे। हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण करवाए, ठीक है ना, गौशाला कुछ माने किसी कदर से बनवाया गया जरूर, ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो ज्यों का त्यों बिल्डिंग भर बना हुआ है, गेट बंद है, ना तो वहाँ कोई पशु लेके जा पाता, और लेके जाता है तो कोई वहाँ कर्मचारी नहीं, पैसा लिया जाता है, उल्टा पैसा लिया जाता है और लूटा जाता है।
जो किसान जाता है कि हमारा यहाँ काम नहीं किया जरमोहरा नहीं किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जरमोहरा का। केवल बोना भर जानते हैं कि जरमोहरा को जोत करके बोलो और उसी से उसी में भाजपा सरकार बल्कि उस दाने को बर्बाद कर दिया कटा करके और गहा करके। जी हाँ, जेसीबी चली लोकेश सिंह जी के खेत पे खड़ी फसल पकी हुई नहीं थी, उसको गाय दी गई जेसीबी द्वारा, नुकसान किया गया था उसको, काट लेने देते किसी को दे देते गरीबों को, ये थोड़ी ना है कि नुकसान कर देंगे आप, किसी के हक पे ना लगे। ये बताइए कि जरमोहरा बांध को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है और उससे फायदा क्या हो सकता है? ये नर्मदा का जल यहाँ पर गिरा दिया जाए तो ये क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाएगा और सिंचित हो जाएगा। नहर परियोजना का विस्तार करके इसको व्यवस्थित किया जाए। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इतनी निकम्मी है कि न ये फीता डोरी भर काटती है, बकायदे एक ईंट नहीं रखी है सिमरिया क्षेत्र में न पंचायत में। ये जो काम दिख रहा है सब अभय मिश्रा का है और यहाँ से 18 साल से ये बैठी है सरकार, कुछ भी काम नहीं किए, वादे पे वादे बेरोजगार लड़के भाग रहे हैं। कुछ चीजें जो है यहाँ पर है और विकास हुआ है, सिर्फ सिमरिया में एक चीज का विकास हुआ है वो भी नशीली दवाओं का, इस चीज पे एक नंबर पे सिमरिया है। हाँ, जब से केपी त्रिपाठी जी विधायक हुए हैं उसके धाऊ भी खोद करके माने पहाड़ खोद करके और दूसरे प्रांत को दे दिए जाते हैं, यहाँ पर पैकेज नहीं डाली जा रही कि यहाँ के जनता को रोजगार मिले, रोजगार से सब वंचित है। कुछ प्रमुख कामों की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर उसकी सच्चाई भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर गौ अभयारण्य स्थापित किया गया, यहाँ पर पूर्वा जलप्रपात के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है किया गया, तो इस तरीके से और कई कार्य किए जा रहे हैं, तो इनकी किस हद तक कार्य किया गया और उसकी सुनिए। तो यहाँ पर पूर्वा में जो काम किया गया है केवल सीओ को मार करके और पैसा लूटा गया, ना कि कोई काम नहीं किया गया। पूर्वा का कौन सौंदर्यीकरण करेगा जो प्रकृति की बनाई हुई चीज है, उसमें इंगल लगवा दिए, 30 लाख रुपए खा लिए, 30 लाख रुपए उसमें खाए हैं, दो तीन इंगल लगे हैं उसमें जलप्रपात चचाई जलप्रपात में। अभयारण्य जो बनाया गया है उसके बारे उसमें कौए मारी जा रही, कौए मारी जा रही हूँ वहाँ पे जाके आप देखिए। हाँ, उनमें पहले गौएं सुरक्षित थी, अब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे व्यापार चलता है, व्यापार वहाँ पे। हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण करवाए, ठीक है ना, गौशाला कुछ माने किसी कदर से बनवाया गया जरूर, ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो ज्यों कहते हैं बिल्डिंग भर बना हुआ है, गेट बंद है, ना तो वहाँ कोई पशु लेके जा पाता और लेके जाता है तो कोई वहाँ कर्मचारी नहीं, पैसा लिया जाता है, उल्टा पैसा लिया जाता है और लूटा जाता है जो किसान जाता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। सिमरिया नगर परिषद की जो प्रमुख मांग है वो कौन सी है और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में सिमरिया नगर परिषद में गो करेगा जो है तो प्रभावित? स्वास्थ्य जी, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार सबसे पहला मुद्दा है, और पानी और हर गली में सड़कें होनी चाहिए और पानी मिलना चाहिए। अब परिषद में उचित काम हो रहा है या नहीं? कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा नगर परिषद में, नगर परिषद में किसी भी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा, वहाँ पे केवल घोटाला चलता है, बस हो गया कमीशन खोरी। आप इतने कमीशन दोगे तो इतना आपका काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। जी हाँ, नगर परिषद के पैसे से बीजेपी का पंडाल बनता है, जो नगर परिषद में पैसा आता है उसे बीजेपी वाले अपने उपयोग में लेते हैं, जब कोई नेता निपाड़ी आता है तो उसी से बड़ा बड़ा पंडाल लगा देते हैं। और अभी तत्काल की घटना है, जेपी नड्डा जी आए थे तो वहाँ के सीएमओ जी वहाँ के कर्मचारियों से उनको नाश्ता करवा रहे थे, आप पता कर सकते हैं, फोटो है, और नगर प्रांगण सरकारी है तो वहाँ पर अनुमति किसने उनको दे दी ये प्रोग्राम करने के लिए, किसी पार्टी को कैसे प्रोग्राम करने के लिए दे दिया? हम लोग तो कांग्रेस वाले मांग रहे हैं तो हमको तो नहीं मिल रहा है वहाँ पे, उनको कैसे दे दी गए? ये सब सत्ता का नशा है उनका और कुछ नहीं है। प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं इस बार? कृपया नारा नहीं लगाएंगे। अभय मिश्रा जी के साथ हम पूछ रहे हैं कि
प्रदेश में कांग्रेस की या भाजपा की स्थिति में किसकी स्थिति मजबूत है? प्रदेश में कांग्रेस की निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति है। पिछली बार जो खरीद फरोख्त करके शिवराज सरकार बनाई गई, भाजपा सरकार बनाई गई, उसके कारण लोगों में बहुत रोष है और लोग ये भ्रष्टाचार सरकार को बदलना चाहते हैं। ये 50% हर एक चीज़ में घोटाला, चाहे पटवारी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, हर एक चीज़ का घोटाला इस सरकार में बहुत ज़ोरों से है और लोगों में बहुत आक्रोश है इस चीज़ को लेकर। एक तो महंगाई सबको खाए ही जा रही है, ये पहले महंगाई इनको बहुत प्यारी लगती थी, अब महंगाई इनकी पहले बहुत वो लगती थी, हाँ दुश्मन थी, अब इनको बहुत प्यारी हो गई है। ऐसा मेरा कहने का मतलब ये, तो अब इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, इनको बस नेताओं की, भाजपा के नेताओं की जेबें भरने से मतलब है। आम आदमी बेचारा महंगाई से त्रस्त है। हाँ, सिमरिया का भी युवक एकदम त्रस्त है। विधायक जी ने ना तो किसी युवक को रोज़गार दिए, ना कभी किसी से रोज़गार की बात की, बल्कि युवाओं को बेरोजगारी, युवाओं को अपने गुंडागर्दी में लगा दिए, लोगों से सीओ कांड करवा दिया युवाओं को, अब वो बेचारे दर दर भटकते फिर रहे हैं युवाओं। जितने युवा हैं, सीएम राइज स्कूल यहाँ भी खोला गया है क्या, कोई आप में से जानना चाहेगा? खोला गया है भमरा में, वो फ्लैट पड़ा हुआ। क्या स्थिति है उसकी? तुम लोग अभी काम नहीं, पढ़ाई लिखाई होती है, काम नहीं हो रहा वहाँ, वहाँ केवल एक दूसरे को घटाना बढ़ाना हो रहा। हाँ, काम नहीं चालू। हाँ, ये थे सिमरिया के कुछ लोग जिन्होंने सिमरिया के मुद्दों को लेकर के बातचीत की और सिमरिया के बारे में जो वास्तविक स्थिति है उसे बताने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं किस विधानसभा क्षेत्र किस प्रत्याशी से जुड़े हुए हैं वो भी आप हमें अपने सुझावों के माध्यम से बता सकते हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।